एक्ट्रेस से राजनेता बनी सोनाली फोगाट की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सोनाली फोगाट की अगस्त में गोवा में एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। पहले ये बात सामने आई कि सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो तमाम बड़े खुलासे हुए। सोनाली के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। इसके बाद ये भी बात सामने आई कि सोनाली फोगाट को उनकी मौत होने से पहले जबरन ड्रग्स तक दिए गए थे। इस पूरे मामले में सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान समेत तमाम आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस बीच 11 सितंबर को हरियाणा के हिसार में एक महाखाप पंचायत का आयोजन किया गया। महाखाप पंचायत बुलाई गई जिसमें सैकड़ों लोग यहां जुटे, वो भी उस जगह पर हिसार में जहां की सोनाली फोगाट रहने वाली थी। महाखाप पंचायत बुलाकर सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। सोनाली की मौत के मामले में फिलहाल गोवा की पुलिस जांच कर रही है। लगातार सोनाली का परिवार और तमाम बड़े राजनेता भी ये मांग करते रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल सीबीआई जांच की कोई अनुशंसा नहीं की गई है और इसी की मांग को लेकर 11 सितंबर को महाखाप पंचायत का आयोजन किया गया। सोनाली फोगाट का परिवार पहले भी सीबीआई जांच की मांग करता रहा है और 11 सितंबर को एक बार फिर उनकी बेटी ने बड़ा बयान दिया। सोनाली फोगाट की 16 वर्षीय बेटी यशोधरा ने कहा कि उनका सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए परिवार चाहता है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। यशोधरा ने कहा कि अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए परिवार सरकार से उम्मीद छोड़ता जा रहा है। उन्हें उम्मीद है किसी से तो सीबीआई से, इसलिए वो चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि गोवा पुलिस की जांच से वो संतुष्ट नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।